कल जिला जौनपुर की ग्राम सभा कोहड़ा और रही में सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर विधवा माता पिता सम्मान समारोह सकुशल संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम सिंह यादव सांसद जौनपुर, विशिष्ट अतिथि शुद्रलाल प्रताप यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख मरियाहू, डॉक्टर राजीव रत्नमौर, इंजीनियर सुधीर कुमार और मुख्य वक्ता शुद्र रामबाबू मौर्य, अमरजीत, संजय चौधरी, राय साहब यादव, कृष्ण यादव आदि लोग रहे। सभी वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले जी के जीवनी और उनके संघर्षों पर अपने विचार रखे। अहिर जात के लोग भी आना साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। बार बार मैं इस जात पे इसलिए टिप्पणी करता हूँ कि दुनिया कराही चढ़ाती है तो अहिर कराहा चढ़ाता है और बड़े शौक से चढ़ाता है और उसमें अपनी क्या कर ले कि उसमें अपनी जो है बड़ी उसको एक आनंद महसूस होता है, गर्व महसूस करता है। और हमें ये नहीं समझ में आता कोई गोबर पोत करके गर्व महसूस कर रहा है उसको मूर्ख समझा जाए कि बुद्धिमान समझा जाए। साथियों, आज माता फातिमा शेख का जन्मदिन है। ये वही माता है जो माता सावित्रीबाई फूले को रहने के लिए आवास दिया, खोलने के लिए जगह दी और दोनों माताओं ने साथ साथ चल करके पूरे देश का इतिहास बदल दिया। लेकिन इन माताओं के संघर्ष को इस समाज के या देश के द्रोहियों ने दबा दिया। आज 21वीं सदी में, आज के इस वैज्ञानिक युग में, आज भी आपकी बातों को दबा दिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपके सामने की बात है इसलिए मैं याद करा रहा हूं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जान रहे हैं क्या अखिलेश जी ने टोटी चुराई थी। जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बाप दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहा हो, टोटी को चुराएगा? लेकिन आज के 25 साल 50 साल बाद जब यही अखबार खोला जाएगा, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम, ये देखिए दैनिक जागरण, ये देखिए अमर उजाला, ये देखिए जी न्यूज, ये देखिए एबीपी न्यूज, तो हमारी आपकी पीढ़ी क्या कहेगी? कहो एक नायक दू नायक, कुल का कुल अखबार मीडिया यही कहता तो निश्चित रूप से ही टोटी चुराए होगा। तो सोचिए आज के सैकड़ों साल पहले जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, जो माता फातिमा शेख ने संघर्ष किया, जो सावित्री बाई फूले ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को दबाना कितना आसान था। लगातार आप सब तो बौद्धिक गांव के लोग हैं, मैं इस नौजवान को जीता। कार्यक्रम का संचालक अरविंद कुमार राव ने किया। यहां कई सैकड़ों विधवा माता पिता को कंबल और मल्यार्पण करके उनको सम्मानित किया गया। आयोजन के विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम आयोजक चमेला देवी पत्नी दयाराम एडवोकेट ने भी बहुत ही हर्ष उल्लास से अपनी बात कही। कार्यक्रम में प्रधान संघ के पदाधिकारी, महिला कर्मचारी आदि ने सभी लोगों ने सहयोग किया।